ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे वेयर वी वर। आवाज आती है ना? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। तो हम लोग थे साहब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, इसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो हम अगर केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो केमिस्ट्री शुरू करने की दो तीन जगह हैं। एक मोल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपनी कैलकुलेशन बताते हैं कि गिनती कैसे करनी है। मतलब कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो एक वेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं या गिनती कर सकते हैं। तो वो एक मोल कॉन्सेप्ट है जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, वहां से शुरू कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर सकते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर टिपिकली 11th में 3 या 4 मार्क्स का रहता है। नहीं ना, मैं डिस्टर्ब करने के लिए लोगों को थोड़ा मना कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, है ना, कुछ लोगों को पता नहीं होता केवल है। तो हम लोग वेयर वी वर, हम लोग इस बात की बात कर रहे थे कि हम क्या पढ़ेंगे। तो एटॉमिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। मैंने पिछली क्लास में कुछ पढ़ाया था आपको, और एक ओवरव्यू चैप्टर का देते हैं, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड आगे हम चलेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ओवरव्यू में आवाज आ रही है कि अच्छे से? वेरी गुड, थैंक यू। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज है कि एटम है, एटम में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब क्या है? प्रोटोन न्यूट्रॉन दोनों हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे। जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। आपको पता लगाना है कि जो पहली ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब शेल, शेल और ऑर्बिट में, ऑर्बिट एक पुराना शब्द है जिसको हमने अभी ऑब्सोलीट कर दिया है, इसको यूज नहीं करते, अमूमन यूज नहीं करते, उसके बाद यूज करते हैं शेल। शेल में और ऑर्बिट में क्या अंतर है बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले मानते थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, यानी कि एक चूड़ी की तरह। अब क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, मतलब कि वो एक बॉल की तरह घूमेगा। मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं घूमेगा, वो ऐसे भी घूमेगा, वो ऐसे भी घूमेगा। मतलब व्हाट आई वांट टू से कि अब हम शेल की बात कर रहे हैं, शेल और ऑर्बिट में वही अंतर है जो चूड़ी और गेंद में है। चूड़ी भी गोल है और गेंद भी गोल है, ठीक है। एक सिंपल बॉल इज स्फेरिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल मीन्स इट इज 3D, ऑर्बिट मीन्स 2D। सो देयर डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड शेल, शेल इज 3D, इट इज स्फेरिकल। स्फेरिकल मीन्स ऐसे गोल गोल घूमेगी, तो ऐसे ऐसे घूमेगी, और ऑर्बिट मतलब ऐसे घूमेगी तो ऐसे घूमती रहेगी। तो ऑर्बिट 2D है, सर्कल की तरह नहीं है। इस शेल की बात कर रहे हैं, शेल 3D में है। तो अभी आपको समझना है क्या क्या है। देखो, एक अमूमन बच्चा जो होता है, जो जो थोड़ा सा कमजोर होता है पढ़ने में, वो क्या करता है, वो ध्यान देता है फार्मूलों पर, ठीक है। ये फार्मूले याद करने हैं, मैं फार्मूले आपको याद कराऊंगा, बट फार्मूले ही याद नहीं कराऊंगा। देखो, हम भी याद करेंगे। क्या है कि ये मान लो एक न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, और फिर ये दूसरी शेल है। तो ये पहली शेल में और दूसरी शेल में कितना अंतर है, मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, वी नीड टू फील इट, कि पहली शेल और दूसरी शेल और तीसरी शेल में क्या अंतर बढ़ रहा है या अंतर घट रहा है। मतलब न्यूक्लियस से पहली शेल अगर यहाँ है तो दूसरी कहाँ है? दूसरी दूर है, दूसरी इसके पास। इंटर सेलुलर डिफरेंस, पहला शेल है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। तो क्या इनके आपसी डिफरेंस घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर में हम सोल्व करेंगे, या फिर इस पहली शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, और दूसरी में जो घूमता है, और तीसरी में जो घूमता है, इसमें ज्यादा तेज कौन घूमता है? मतलब पहले शेल का इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज घूमेगा, या दूसरे शेल का, या तीसरे शेल का, या चौथे शेल का, या पांचवे शेल का, भी पता को एक मोटा मोटी अंदाजा, मतलब फार्मूला अलग है। फार्मूला में सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
आई विल लेट यू नो दिस फॉर्मूला, आई विल ड्राइव यू, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन. सोल्यूशन है कि मोटा मोटी आपको अंदाजा भी होना चाहिए जिस स्पीड से हमें एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ने होंगे. सिर्फ फार्मूले से क्वेश्चन ही निकलेगा. दूसरी बात क्या है कि जब फार्मूला आप लगा रहे होंगे तो मैथमेटिक्स में उलझे होंगे आप, तो फिर और में पता नहीं चलेगा आपको कि फार्मूलेशन से गलत निकल गया. जब आपको मोटा मोटी अंदाजा होगा, समझ लो मोटा मोटी अंदाजा, मोटा मोटी अंदाजा मतलब क्या होता है कि जब आप देखते हो कि पहली शेल का रेडियस दूसरी से ज्यादा है तो गलत है ना. मतलब फार्मूला कोई भी लगाया हो आपने, आपने फार्मूला लगाया और पहली सेल का रेडियस दूसरी से ज्यादा आ गया, अरे पहली सेल तो छोटी है, रेडियस कम ही आएगा. व्हाट आई वांट टू से अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिकल डेरिवेशंस, अपार्ट फ्रॉम फार्मूलाज, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फील कि एटम में पहली सेल का रेडियस हमेशा छोटा होगा दूसरी से और दूसरी छोटा होगा तीसरी से. इसमें कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, इसमें कोई केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस. व्हाट आई वांट टू से कि एज ए फार्मूला व्हाट वी यूजली डू और व्हाट वी ऑलवेज डू इज दिस. एक फार्मूला होगा बट उस फार्मूले का एक कॉमन सेंस हम अपने माइंड में डेवलप कर लेते हैं. ठीक है यार, जब रेडियस दुगना, रेडियस इतना बढ़ता है ना तो स्पीड इतनी घटती है. मतलब क्या है कि स्पीड में रेडियस का स्क्वायर ऐड होता है. मतलब क्या है कि जब रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी. ठीक है, और कितनी बढ़ेगी, मतलब इतना सा रेडियस चेंज किया तो क्या स्पीड इतनी बढ़ेगी इतनी घटेगी. यू गॉट अ पॉइंट कि फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं मैं. पूरे साइंस में जब भी आप फिजिक्स मैथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में जो भी फार्मूला है उस फार्मूले की एक मोटा मोटी आपको सेंस आनी चाहिए जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए. यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट रेडियस बढ़ने से स्पीड घटेगी या बढ़ेगी. ठीक है, एक होगा काम. अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स क्या है, एड्रेस है. जैसे मान लो इस उसमें एक एटम है, उस एटम मान लो 15 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब हमारा जो शहर होता है या हमारा देश होता है इसमें 125 करोड़ लोग, इन 125 करोड़ लोगों का अपना अलग अलग एड्रेस होगा. व्हाट आई वांट टू से कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एटॉमिक एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस. मतलब क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं होगा, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का. अगर शेल पहली में दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो दोनों का क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा. यू गॉट अ पॉइंट. यस यस यस, बट क्वांटम नंबर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस नहीं बताते, वो उसकी एनर्जी बता देते हैं, उसकी ओरिएंटेशन बता देंगे, उसकी शेप भी बता देंगे. यू गॉट अ पॉइंट. क्वांटम नंबर्स एड्रेस बताते हैं पर एड्रेस ही नहीं बताते. ठीक है, क्वांटम नंबर्स का चार सेट होता है, एन एल एम एस. छोटा एन, बड़ा एन नहीं, छोटा एन, छोटा एल, छोटा एम, छोटा एस. एन एल एम एस में बताऊंगा ये किस किस एक बहुत बारीक क्वेश्चन भी होते हैं कि भाई एल कैसे, एल कैसे लाए, एन एल एम एस का हमने कहाँ से न्यूमरोलॉजी उठाई. मतलब पहली जो पहला क्वांटम नंबर है एन, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सब शेल भी उसको बोलते हैं, शेल नंबर भी बोलते हैं, तो वो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अगला है सब शेल. सब शेल को बोलते हैं एल, सिंबल इसका एल है, स्मॉल एल. फिर एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो स्मॉल एम है, और एल होता है, एस होता है स्पिन, स्पिन नंबर. सो मैं बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी, वी आर नॉट इन अ हरी. ये चारों क्वांटम नंबर्स हैं. यस, सो एवरी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का एक एड्रेस है, उस एड्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम नंबर से. जैसे कि आपका एड्रेस है, आपके घर का एड्रेस में क्या होगा, पहले होगा इंडिया. मान लो अमेरिका से टिकट भेजी है तो पहले इंडिया में आएगी,
आपका पहला स्थान तो इंडिया में टिकट फ्लाइट पोस्ट आना चाहिए, फिर आपका शहर मान लो दिल्ली है तो दिल्ली में आना चाहिए, फिर मान लो आप रोहिणी में रहते हो तो रोहिणी में आना चाहिए, और फिर आपका सेक्टर है सेक्टर में आना चाहिए। मतलब क्या है कि चार सेट ऑफ नंबर्स हैं, एन एल एम एस। अगर ये चारों किसी किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में आपके पास है तो आप बता सकते हो हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे किसी एटम में, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, अब मैं बात कर रहा हूँ 14th की, आप सोच रहे हो 15th की, मैं बात कर रहा हूँ 14th की, आप सोच रहे हो 13th की बात कर रहे हैं सर, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जितने भी एटम है, 105 एटम है, तो 105 एटम की जो रिएक्शंस है वो न्यूक्लियस तो करता नहीं भाई। कोई भी रिएक्शंस हो रही है, पानी गर्म हो रहा है, पानी पी रहे हो, पानी के रिएक्शन करो, जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो, XYZ, 99.99% रिएक्शन जो आप करोगे लैब में, सब की सब केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है एज सच। तो मतलब क्या है, आपको तो कभी प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की रिएक्शन करनी ही नहीं पड़ेगी, और जितनी रिएक्शन करोगे वो सब इलेक्ट्रॉन्स की होंगी। तो मतलब क्या हुआ, आपको इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस पता होना चाहिए, दिस इज वन थिंग। कि जब तक आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता नहीं चलेगा तब तक आप किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा वो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी भी समझ में आ जाएगी आपको एड्रेस से। तो अब दिल्ली में कोई राजपथ पे रह रहा है तो पॉलिटिशियन होगा, मतलब उम्मीद है। अब किसी के एड्रेस में लिखा है 10 जनपथ राजपथ, तो मतलब है वो देश का पावरफुल आदमी है, वो MP होगा कम से कम, है ना। तो एड्रेस लेट यू नो द लेवल ऑफ एनर्जी। फिर मान लो हमने शेल है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन डालने शुरू किए तो डलेंगे कैसे, निकालने शुरू किए तो निकलेंगे कैसे। यू गॉट अ पॉइंट, आपको हम बेसिकली क्वांटम में, बेसिकली स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन तो रिएक्शन करते नहीं है, केमिकल रिएक्शंस तो करते नहीं है, तो आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, हमारा पहला काम क्या है कि हम समझें जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वो किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, चार एड्रेस होंगे, NLMS। इन चारों को मिलाने के बाद किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर यानी कि NLMS मैच नहीं कर सकते। सो नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, या तो एन अलग होगा या एल अलग होगा या एम अलग होगा या एस अलग होगा, चारों मैच तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर चारों मैच करेंगे तो फिर तो कंफ्यूजन बन जाएगा। कंफ्यूजन क्या बन जाएगा कि भाई हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चारों मैच नहीं करेंगे, दो लोग दिल्ली में रह रहे हो रह सकते हैं, उस तो दोनों इंडिया में रहते हो, चारों कैसे मैच हो जाएंगे। चारों मैच हो जाएंगे तो आपकी चिट्ठी उसके घर, उस चिट्ठी आपके घर, हम चिट्ठी भेज रहे हैं ना एड्रेस से भाई। अगर कोई आपके शहर में रह रहा है, आपके मोहल्ले में रह रहा है, आपकी गली में भी रहता है, तो मकान नंबर तो लग करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि दूसरा आदमी, आपका मकान नंबर 5 है, उसका मकान नंबर 5 है, गली नंबर आपकी 6 है, उसके नंबर 7 है, तो गली नंबर पलट गई। या तो मकान नंबर अलग होगा, या गली नंबर अलग होगा, या मोहल्ला नंबर अलग होगा। भाई आपने कहा मेरा मकान नंबर 5 होगा, मेरा भी, आपका गली नंबर 6 है, उसको मेरा भी गली नंबर 6 है, आपका जो मेरा नंबर अशोक अशोक विहार होगा, मेरा भी अशोक विहार है। अब कंट्री अलग होना चाहिए, उस तो वो अशोक विहार किसी और देश में हो, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक और है, इंडोनेशिया के पास एक कंट्री है, उसमें भी दिल्ली है, हो सकता है। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड दिस, कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव
सेम क्वांटम नंबर, सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर, कोई तीन मैच कर सकते हैं पर चौथा मैच नहीं करेगा। अगर ये तीन मैच करके तो ये मैच नहीं करेगा, अगर ये तीन, ये एक, ये तीन मैच करे तो ये मैच नहीं करेगा, अगर ये तीन करे तो ये मैच नहीं करेगा। एक तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा भाई, एक एक तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो जो सिलेबस मैच नहीं करेगा ना। ठीक है, एक बार रुकते हैं, क्या कह रहे हैं सर? ना मुश्किल है। सो वेयर वी वर, हम बता रहे थे आपको कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ये है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना अच्छा एटॉमिक आएगा ना आपको, वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री की नींव है। अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहा एस का इलेक्ट्रॉन कैसा है, फिर मतलब समझ लो कि आपको शेल भी समझ में आनी चाहिए। आपको कौन फोन कर रहा है मेरे को? ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी केमिस्ट्री की नींव है। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं निकल रहा है ना, हो सकता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वीक हो। मतलब क्या है कि मैं 12th के बच्चों को भी अलाउ किया, मैंने उनको बोला भी आ जाओ, क्योंकि क्या है कि बाकी लोग म्यूट करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? अब म्यूट करो, फिर थोड़ी देर में आएगा, थोड़ी देर में आएगा, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे ना, आप लोग म्यूट करें, अभी आएगा। क्या कहना चाहता है लक्ष्य? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डोंट स्पीक, आई विल लेट यू नो। क्या कहता है? जितने भी हमारी केमिस्ट्री चलेगी सब में एटम है, और एटम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फिर तो हर चैप्टर में हल्का हल्का कंफ्यूजन रहेगा ही ना। क्या कहना चाहता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से, अगर उसका एन एल एम एस है, मतलब कि अब आपको बता दूं कि किसी का एन एल एम एस, मान लो एन 4 है, L3 है, M2 है और S+ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो एस का इलेक्ट्रॉन है या पी का इलेक्ट्रॉन है या डी का इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि आप देखो, ऑर्गेनिक पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, फिजिकल पढ़ोगे, रिएक्शन होगी, रिएक्शन तो एटम ही करेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके इलेक्ट्रॉन कैसे 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 बिहेव कर रहे हैं। बेसिक चैप्टर है, इट विल टेक हेल अमाउंट ऑफ टाइम, आपको बहुत टाइम लगेगा इस चैप्टर को करने में, और आपको लगेगा कि अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो कोई पूरा ही नहीं होगा। यू विल गेट, आपको फीलिंग आएगी इतना स्लो स्लो क्यों चल रहे हैं। बट यस, देखो कोई इलाज नहीं है, हम IIT क्रैक करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हमें पता है कि बच्चा सुपरफिशियल भागना चाहता है, तो अगर सुपरफिशियल फर्स्ट भागेगा तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा, तो आपको समझ में आएगा। अभी आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांटम नंबर्स, थोड़ा पढ़ाता हूँ, ठीक है, फिर दोबारा से बताता हूँ ना। अभी एक बार शेड ग्लास करते हैं। रहा है क्या? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सो वी आर डिस्कटिंग क्वांटम नंबर्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लें क्वांटम की। तो ये होता है एन एल एम और है, सब स्मॉल है, ठीक है। अब इसमें एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स,
जहां तक मुझे याद आ रहा है यही है ना। और एस को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स। एल को एजीमुथल बोलते हैं, मेरे को यहां तक याद आ रहा है। ठीक है, ये आपको सबशेल बताता है। मेन बात ये है कि एल आपको बताता है सबशेल। ये बताता है शेल। अगर एन की वैल्यू 1 है तो पहली शेल में है, एंड एन कैन नेवर बी लेस देन, मतलब एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। भैया पहली शेल तो होगी ही होगी ना, ऐसा तो है नहीं एक शेल से भी कम शेल होगी। कितने भी क्वांटम नंबर्स हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। लेकिन एल एल कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सबशेल 0 हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सबशेल 0 है, इसका मतलब सबशेल का नाम 0 है। देखो कौन कौन सबशेल होती है, 0 नंबर की शेल होती है, 1 की होती है, 2 की होती है, 3 की होती है, 4 की होती है। मतलब कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है कि एल की वैल्यू 0 भी होती है, बल्कि 0 बहुत पॉपुलर 0 होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एल है नहीं, इसका मतलब होता है कि एल है और उसका नाम 0 है। ठीक है, एम की वैल्यू जो होती है वो माइनस एल टू प्लस एल थ्रू 0। बताऊंगा आपको, अभी टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। और एस की वैल्यू जो होती है वो होती है प्लस हाफ और माइनस हाफ। समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ आपको। ठीक है, क्या कहता है, कहता है कि अगर एन की वैल्यू मान लो 3 है, ठीक है, तो शेल नंबर कितनी है, 3 है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी साहब 0 1। मतलब 0 नंबर सबशेल है, ये सबशेल तो होगी। क्या आवाज नहीं आ रही, क्या आ रही है? कोई बात नहीं, जिसकी कट रही है टेंशन ना लो, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। ठीक है, ये सबशेल है और ये भी सबशेल है। एल की वैल्यू 0 है, इसको बोलते हैं एस, इसे बोलते हैं प्लस अगर एस की वैल्यू एल की वैल्यू 0 से बोलते हैं एस सबशेल, इसे बोलते हैं पी स्मॉल पी, इसे बोलते हैं डी और इसको बोलते हैं एफ। क्या कहता है कि शेल नंबर 3 में, शेल नंबर 3 में एस सबशेल होगी, पी होगी, डी होगी, पर ये एफ नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि एल इज इक्वल टू 0 टू n-1। क्या कहना चाहता है कि अगर शेल नंबर 3 है तो एल की वैल्यू होगी 0 1 और 2, बस इससे आगे 3 नहीं होगी। दोबारा समझेंगे, कहता है एल एल क्या है, सबशेल। एल की वैल्यू होती है 0 टू n-1। अगर शेल आपके पास 3 है तो एल की वैल्यू होगी 0 1 और 2, 3 नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगा। सो एल कैन नेवर बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और कैन आई से एल की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन। चलो
चिंता उसको दोबारा बताऊंगा, अभी एक बार उसे में नहीं आएगा। क्या कहता है, दोबारा देखते हैं शुरू से। क्वांटम नंबर चार होते हैं NLMS, ठीक है जी, सारे स्मॉल, कैपिटल नहीं लेना है, ये कैपिटल नहीं है, ठीक है जी। पहला एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, विच टेल यू शेल नंबर, इसको शेल नंबर को पुराना वर्ड देते थे ऑर्बिट, अब ऑर्बिट हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब एल, एल को बोलते हैं सबशेल, एल को बोलते हैं सबशेल, एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू होगी जीरो भी होगी, जीरो वन टू थ्री ऐसे बढ़ेगी, मतलब हमने क्या बताया, एन एन यहां पे हरदम ग्रेटर देन जीरो है भाई, शेल कम से कम एक शेल तो होगी, लेकिन एल का मतलब जीरो का मतलब ये नहीं है कि एल, जिसका मतलब है कि एल का नाम जीरो है, ठीक है जी, कोई बात नहीं बताऊंगा। एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू होती है माइनस एल टू प्लस एल। एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम की वैल्यू होगी माइनस एल टू प्लस एल थ्रू जीरो, थ्रू हाँ हाँ क्वांटम नंबर। देखो आपको चार क्वांटम नंबर हमने पढ़ाने हैं, एन एल एम एस, ठीक है जी, तो आपको आदर्श है ना, सॉल्व आउट करेंगे, तो अभी हम इन चारों को अलग पढ़ाएंगे, इन चारों का आपस रिलेशन भी पढ़ाएंगे, और ये पढ़ाएंगे कि किसकी लिमिट कितनी है। जैसे एल है, एल कभी भी एन से ज्यादा नहीं होगा, अगर आप शेल नंबर तीन पर हो तो एल की वैल्यू तीन से कम ही आएगी, ठीक है। मतलब हमें दो चीज पढ़नी है, एक तो हमें एन एल एम एस ये चारों का अपना अपना सिग्निफिकेंस क्या है ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है कि एन की अपनी लिमिट क्या है, एल की अपनी लिमिट क्या है, एम की अपनी लिमिट क्या है, एस की अपनी लिमिट क्या है। बीच बीच में आप लोग ना इस ऐप को अपडेट करते रहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ऐप को सुधार तो रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। हाँ ये सुधारते रहते हैं, तो इसलिए भी कई बार कंफ्यूजन हम लोग को होता है। तो हमारे को पढ़ना क्या क्या है, पढ़ा तो मैं दूंगा आपको, कि आपको ये चारों क्वांटम नंबर अलग आने चाहिए, एक काम, इन चारों का आपसी रिलेशन आना चाहिए, दूसरा काम, तीसरा काम कि हर एक की लिमिट पता होनी चाहिए। एन है, एन कैन नेवर बी जीरो, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एल की वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल टू एन, सब शेल हरदम शेल से कम होगा, नाम में काम में नहीं। जैसे अगर शेल नंबर तीन की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें तीन सबशेल मिलेंगी, जो शेल होगी दो नंबर उसमें दो सबशेल मिलेगी, अगर शेल नंबर एक है तो उसमें एक सबशेल मिलेगी, दो में दो मिलेंगी सबशेल, तीन में तीन मिलेंगे और चार में चार मिलेंगे, लेकिन लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा अभी आपको समझा रहा हूँ। समझना क्या क्या है, आपको समझना है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर्स क्या है, ठीक है जी, एन एल एम एस। दूसरा काम आपको समझना है कि इनका आपसी रिलेशन क्या है, एन का एल से, एल का एम से, एम का एस से, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है हरेक की अपर और लोअर लिमिट समझनी है, ठीक है जी, कि एल की अपर लिमिट क्या है, एन, एन की अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, दो चार पांच छह दस भी हो सकती है, पर एल तो अपनी लिमिट बनाएगा एन को देखते हुए, क्योंकि एल इज ऑलवेज लेसर देन एन, सब शेल की वैल्यू हरदम शेल से एक कम ही होनी है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ वर्ड बना रखे, जैसे अल्टीमेट शेल, सबसे बाहर की शेल को बोलते हैं अल्टीमेट शेल, अंदर की शेल को बोलते हैं इनर शेल्स, और एक होती है पनल्टीमेट शेल, पनल्टीमेट मतलब अल्टीमेट से पहले वाली, एक तो होगी अल्टीमेट शेल, एक होगी इनर शेल, एक होती है पनल्टीमेट शेल,
कि शेल से पहले वाली, सेकंड लास्ट, ठीक है ना। तो अब आपको मतलब क्या है ना कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको डिफरेंट क्वांटम नंबर्स पढ़ने हैं पहली बात, उनका सिग्निफिकेंस पढ़ना है, सिग्निफिकेंस मतलब कि किसका एनर्जी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मतलब अब एन का सिग्निफिकेंस क्या है, एन आपको शेल बता रहा है, शेल बता रहा है तो शेल से आप किसकी एनर्जी निकाल लोगे, एनर्जी निकाल लोगे तो उसकी स्पीड निकाल लोगे, ठीक है। दूसरा है एल, एल बताएगा सब शेल, सब शेल बताएगा ओरिएंटेशन इन स्पेस। जैसे मान लो कोई जीरो नंबर सब शेल में है तो वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, मतलब वो हो सकता है थर्ड शेल में हो या फोर्थ शेल में हो या फर्स्ट शेल में हो, फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में, थर्ड में, वो घूमेगा स्फेरिकल, दैट इज कॉल्ड सब शेल नंबर जीरो, दैट इज कॉल्ड एल वैल्यू जीरो। मैं दोबारा बताऊंगा, समझो कि जैसे हम कहते हैं बच्चा जीरो है, बच्चा निकम्मा है, बच्चा जीरो है, इसका मतलब क्या बच्चा है नहीं क्या दुनिया में, बच्चा तो है उसका नाम जीरो है। तो सबशेल शुरू होती जीरो से, जो पहली सबशेल है उसका नाम क्या है, जीरो। नाउ यू गॉट इट, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है बार बार क्योंकि आपको एल के लिए जीरो मतलब क्या है, सबशेल नहीं है, शेल तो है, एल की वैल्यू जीरो से मतलब है कि शेल तो है, उसका नाम जीरो है। तो अगर और वो सबशेल हरे के मिलती है तो जीरो शेल है भाई, जो सबसे छोटी सबशेल है वो तो हरे के मिलेगी ना, जो तीन नंबर में मिलेगी वो भाई, जो जीरो नंबर की सबशेल वो हर शेल में है, ऐसे लगाओ जीरो नंबर की सबशेल जो है वो हर शेल में है, पहली में भी, दूसरे में भी, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, सब में। नो, आई टेल यू, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, टेल यू वॉट, मैं बताना चाहता हूं कि आपको ये पढ़ना है कि इस शेल से उस शेल में इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो क्या करो, उधर से वापस आएगा तो क्या करेगा। अभी आपको मैं फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ कि समझना क्या है। आपको चारों क्वार्टर समझ में आ गए, एन एल एम एस समझ में आ गया कि ये बताते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब आपको अगला क्वेश्चन हम जो पढ़ाएंगे बाद में, छोड़ो मैं समझाता हूँ, मेरी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही लेकिन समझो, लक्ष्य छोड़ो, देखो क्या कहता है। अब डिफरेंट शेल है, हर शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसकी अपनी स्पिन होती है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है, प्लीज म्यूट 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 योर सेल्फ है। और हो सकता है कि वो जब घूमते घूमते, जैसे जैसे घूम रहा है ना, तो घूमते घूमते ऐसे घूम रहा है, लक्ष्य प्लीज प्लीज डोंट स्पीक, है ना, म्यूट म्यूट योर सेल्फ। तो वो घूमते घूमते भी घूम सकता है अंदर अंदर, मतलब जैसे पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों तरफ, ठीक है, और अपने चारों तरफ भी घूम रही है। भाई पृथ्वी कैसे घूमती है, खुद भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी घूमती है, अर्थ रिवोल्व्स एंड अर्थ रोटेट्स, है ना, पृथ्वी अपने चारों तरफ भी घूमती है, पृथ्वी घूमते 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 सूरज की चारों तरफ घूम रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा शेल में घूम रहा है ना, ये इसकी सबशेल बताएगा कि ये अपने अंदर कैसे घूम रहा है। तो आपको समझ में आएगा शेल क्या है, सबशेल क्या है, फिर उसका मैग्नेटिक ओरिएंटेशन क्या है, तो एम बताएगा, और फिर उसका स्पिन बताएगा, माइनस वन, प्लस प्लस, माइनस हाफ और प्लस हाफ। तो आपको समझ में आएगा कि चार क्वांटम नंबर आपको बता देंगे इलेक्ट्रॉन कौन कहाँ कैसे बैठा है, कैसे घूम रहा है। अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे हम कि हमने पहले को मारी उंगली, टू वो गया ऊपर, तो कितने गई उंगली मारू कितना ऊपर जाएगा, और जब जाएगा फिर वापस आएगा तो कितना कलर आएगा। जब वैसे आप लाइट डालते हो किसी भी कंपाउंड पे या किसी भी मकान पे किसी भी रंग में, तो रंग आता क्यों है, जब इलेक्ट्रॉन को जाके वो छेड़ता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है तो लाइट देता है। तो वो एक काम हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे उछाल सकते हैं, कैसे वापस बुला सकते हैं, ये एक नया काम आ गया। अभी तो आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको समझ में यही नहीं आया कि क्वांटम नंबर्स नहीं आए, तो कैसे समझ में आएगा कि किस लेवल से किस लेवल पर जाएगा तो कितना कलर लाएगा। भाई थ्योरी ऑफ कलर क्या है, थ्योरी ऑफ कलर ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां कूदा, वहां से यहां कूदा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेगा,
एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। तो हम कहां पे थे? हाँ, तो अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब ऊपर नीचे जाएंगे इस लेवल पे, इससे इस पे, इससे उस पे, या नीचे करेंगे धड़, इससे इस पे आए, इससे 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 इस पे, और वापस आएंगे, तो जब वापस आएंगे ना तो कलर देंगे। तो आपको जब पता ही नहीं ऊपर से कितना गिरेगा, कितनी स्पीड से कितना गिरेगा, तब आपको कलर का समझ आएगा। मतलब क्या हुआ कि क्वांटम नंबर आपको बताएगा शेल की एनर्जी, शेल की एनर्जी बताएगा, शेल का गैप भी बताएगा, और जब गैप बताएगा तो कलर बताएगा, ठीक है। द थ्योरी ऑफ कलर इज रिलेटेड टू एटॉमिक शेल्स, ठीक है। उसके बाद अब जब इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सारे क्लॉकवाइज लगा दिए। मान लो आयरन है, आयरन में क्या है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज लगा दिए या एंटी क्लॉकवाइज लगा दिए, तो वो करंट पैदा करेंगे। अब वो करंट पैदा करेंगे और घूमेंगे। देखो स्पिन की बात कर रहे थे हम, अब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे, घूमते 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 घूम रहे हैं ना, घूम भी रहे हैं, रिवॉल्व भी हो रहे हैं, रोटेट भी हो रहे हैं। और जब वो रिवॉल्व हो रहे हैं तो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि इस एटम में मैक्सिमम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, या जितने क्लॉकवाइज उतने एंटी क्लॉकवाइज, सब एक दूसरे को काट देंगे। भाई मान लो एक एटम है, उसमें 15 इलेक्ट्रॉन है या 26 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो 26 के 26 से 13 ऐसे घूमते हैं और 13 ऐसे घूमते हैं, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड काट देगा, चुंबक बनेगी ही नहीं। लेकिन अगर ये भी ऐसे घूम रहे और ये भी ऐसे घूम रहे हैं, भाई दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जब दोनों क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो कौन बताएगा, क्वांटम बताएगा आपको। क्वांटम नंबर जो एस है, स्पिन वाला आखिरी वाला, वो बताएगा ना कि कैसे घूम रहे हैं। मतलब घूम तो ऐसे रहे हैं पर अंदर कैसे घूम रहे हैं, रोटेट कैसे कर रहे हैं, रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ रोटेट्स, अर्थ अपने ध्रुव पे परिक्रमा, अर्थ सूरज चारों तरफ घूम रही है पर अपने यहां भी घूम रही है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन यूं भी घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन यूं भी घूम रहा है, तो घूमते घूमते घूम रहा है। तो अब अगर मान लो 26 इलेक्ट्रॉन है, अब मान लो 26 26 क्लॉकवाइज लग गए, 26 भी क्लॉकवाइज लग जाएंगे तो वो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, क्योंकि घूमता हुआ चार्ज, क्योंकि घूमता हुआ चार्ज हरदम रोटेट कर वो करता है, एक्सीलरेट करता है। मैंने तो बताया था पिछला लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ा था एक्सीलरेशन, याद है त्वरण पढ़ाया था। तो अब त्वरण की बात कर रहे थे, वहां एक्सीलरेशन की बात करते थे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो करंट पैदा करेंगे, जब करंट पैदा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और चुंबक बनेगी। तो मैं आपको बताना चाहता था कि एटॉमिक नंबर्स में जो क्वांटम नंबर्स हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन, लक्ष्य प्लीज प्लीज है ना, थोड़ा सा म्यूट करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको बताएंगे इनकी स्पिन, क्वांटम नंबर बताएंगे इनकी स्पिन, और स्पिन से समझ में आएगा आपको चार्ज कैसे रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, चुंबक बनेगी कि नहीं बनेगी, चुंबक को अपोज करेगा, चुंबक को अट्रैक्ट करेगा। देखो लोहा चुंबक नहीं है पर चुंबक को अट्रैक्ट करता है। तो कितना कितना स्पिन रहेगा, वो जो घूमते घूमते स्पिन बनेगा ना, वो स्पिन बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और वो चुंबक बनेगा, ये चुंबक को अपोज करेगा या चुंबक से अट्रैक्ट होगा या चुंबक का कोई असर ही नहीं पड़ेगा, ये कौन बताएगा, क्वांटम नंबर्स। ऑल आई वांट टू टेल यू, कहानी में बता रहा हूं कि क्वांटम नंबर का इंपैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, क्वांटम नंबर से आप चुंबक समझ पाएंगे। अब समझो, अब मान लो मेरे पास मान लो 51 रुपए, ठीक है, और वो सारे 1 1 रुपए के सिक्के हैं, तो मैं किसी को क्या 1 रुपया दान करूंगा? नहीं,
लेकिन मेरे पास 51 रुपए हैं, एक 50 का नोट है और एक 1 रुपए का सिक्का है, समझ लो, तो मेरी दान करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप सोचो, अगर आपके पास 99 रुपए हैं तो आप 1 रुपया लेके 100 का नोट बनाने की कोशिश करोगे ना कि चलो जेब में नोट बन जाएंगे, तो आपको उनकी पैकेजिंग भी देखनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन 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 चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। जैसे मान लो किसी के पास 101 रुपए हैं, तुम्हारे पास ही मान लो 100 का नोट 1 रुपया है, तो चांसेस है कि तुम 1 रुपए की एक टॉफी खरीद लोगे। लेकिन अगर 99 रुपए हैं या 100 रुपए का बंदा नोट है, मान लो अगर तुम्हारे पास 100 रुपए का बंदा नोट है, तो क्या उसको तुड़वा के तुम 1 रुपए की टॉफी खाओगे? नहीं खाओगे, चांसेस आर लेस। तो अब वही बताना चाहता है आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन की पैकेजिंग है, फुल पैक हो जाएंगे तो रिएक्शन नहीं करेंगे। अब एक ज्यादा है तो ये एक जो बाहर है ये रिएक्शन कर सकता है, या मान लो कि एक कम रह गया, एक कम है तो ये एक जो कम है रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इसको कुछ चाहिए साथ। तो यहां से आपकी केमिस्ट्री बनेगी, आपको जो इलेक्ट्रॉन की पैकेजिंग है। अच्छा, फिर आप इलेक्ट्रॉन भरने शुरू किए, तो मान लो ये 5 मोहल्ले हैं, 1 2 3 4 5, और मैंने 5 इलेक्ट्रॉन दिए आपको, पहले 5 इसमें जाएंगे, या इसमें 2 जाएंगे, इसमें 3 जाएंगे, या फिर एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं समझे कि जब आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 15 मिल गए, 20 मिल गए, 25 मिल गए, तो कैसे तो भरता हूं, और जब मैं निकालने की बात करूंगा इलेक्ट्रॉन, तो किससे पहले निकालू, किससे बाद में निकालू? यू गॉट अ पॉइंट। ये कौन बताएगा? ये बताएगा क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि जब आप इलेक्ट्रॉन डालने लगोगे तो पहले किस में आएगा, बाद में किस में आएगा, या फिर उल्टा, जब निकालने लगोगे इलेक्ट्रॉन तो पहले किससे निकलेगा, बाद में किससे निकलेगा, और वो निकालने और डालने की का जो केमिस्ट्री है उससे उससे रिएक्शन बनेगी। समझ में आई कोमल? समझ में आई बात? ठीक है ना रूपा? ठीक है, और कौन बचा हमारे पास? नहीं, अंजलि समझ में आ रहा है ना, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ध्रुव पूजा चा, ठीक है रचा वाला, ठीक है, और मनस्वनी ना, ठीक है, सुना यू गॉट इट, मतलब आपको आवाज समझ में आ रही है, गुड, वेरी गुड। तो हमने क्या समझाया आपको? मेरे कहने मतलब क्या कि आपको क्वांटम में डिटेल में समझने हैं। इकट्ठा डालूंगा क्या होगा, निकालूंगा तो क्या होगा, अच्छा अगर ये पूरे सेट है, मतलब पूरे सेट है भाई, ठीक है, तो हिलेंगे ही नहीं। अब कोई कोई एक एटम ऐसा है जिसकी इसकी शेल पूरी भरी हुई है, तो पूरी शेल भरने के बाद क्या होगा भाई, कि उसको तो किसी लेना नहीं, उसे किसी को देना नहीं, ना उद्धव से लेना ना माधव को देना, जब किसी को देना नहीं तो रिएक्शन होना नहीं, है कि नहीं? ये बात मतलब ये बताएगा कौन आपको? ये बताया क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कौन कैसे बैठा है ना, जब आपको समझ में आएगा तो फिर आपको रिएक्शन समझ में आएगी। एक शेर मुझे आ रहा है, शेर सुनाता हूँ आप लोग को, कि कौन सी बात कहाँ कैसे की जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे की जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। नहीं, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि एटम में कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है, किसकी फितरत क्या है, कौन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन सा क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन बंधा नोट है, कौन छुट्टा नोट है, कौन किसको कितना मारेगा, कौन किसको कितना बचाएगा, देखो
ये न्यूक्लियस है, मान लो ये बीच में इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट में ये, बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस इसे खींच रहा है अंदर की साइड। ये आउटर मोस्ट है, बीच में शेल है, बीच में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट है, इस आउटर मोस्ट को ये खींच रहा है। एग्रीड? अगर बीच के इलेक्ट्रॉन रोकेंगे, इसको बचाएंगे, ये बीच के इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन को रोक रहे हैं, बचा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बीच वालों ने बचाना बंद कर दिया तो ये खींच के पास आ जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा। समझो, मजा आया कि नहीं? देखो, ये न्यूक्लियस है, ये तो खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अंदर खींच रहा है, ये आउटर मोस्ट है, बीच वालों ने इसको प्रोटेक्शन किया तो दूर चला जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। बीच वालों ने प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये पास आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटेक्ट करता है, उससे फर्क पड़ेगा साइज पे। मतलब एटॉमिक नंबर देख के आप वो कह रहे हैं साइज बताओ, आप इसका साइज बताना है, इसको नहीं देख रहे, अंदर वालों को देख रहे हो, क्योंकि तो अंदर वालों ने अगर बचा लिया तो ये भाई से दूर हो जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा। अंदर वालों ने नहीं बचाया तो ये भाई साहब पास हो जाएंगे, साइज घट जाएगा। नहीं समझे? आपको एटॉमिक नंबर देख करके, उसे क्वांटम नंबर देख कर समझ में आना चाहिए कि भाई कौन किसको कितना बचाएगा और कौन किसको कितना मरवाएगा। और जैसे समझ में आ जाएगा आपको, साइज समझ में आ जाएगा। अब मान लो की शेल है, अभी समझाता हूं आपको भाई। स्क्रीन दिख रही है क्या? ठीक है, थैंक यू थैंक यू भाई। ये 2, 8 और 7, मान लो किसी का नंबर कितना, 17 नंबर है, तो 2, 8 और 7। अब इसके पास होना कितना चाहिए था? 2, 8, 8। तो पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में कि जैसे नोट होते हैं ना हमारे यहाँ, नोट कितना होता है? 10 का नोट होता है, 20 का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, यही तो नोट होते हैं हमारे यहाँ। तो अब भाई यहाँ जो नोट होते हैं वो होते हैं 2 के, 8 के, 8 के, 18 के और 32 के। अब इसके पास कितने हैं? 2, 8, 7, एक कम रह गया ना भाई, इसके पास तो एक की शॉर्टेज है ना। कोई बात नहीं, आई जाएगी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको अगर समझ में आ जाए कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक रीजन और भी है, अगर कोई बच्चा म्यूट पे नहीं रहता है, ये लक्ष्य है तो म्यूट करो, ठीक है, इस वजह से भी आवाज इको करती है ना। तो अब क्या कह रहा है कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते 2, 8, 8, लेकिन मान लो है बाई चांस 2, 8 और 7, तो एक की कमी रह गई। अब जिसके पास 99 रुपये हैं उसकी तो इच्छा क्या है कि 1 रुपया कहीं से मिल जाए और उस 100 का नोट बंदा हो जाए और उसको रखना आसान हो जाए। जब तक वो 99 रुपये हैं तब तक वो बचते रहेंगे छुट्टे छुट्टे। तो कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि आपको ये समझ में जब आ जाएगा ना कि कितने का पैकेजिंग अच्छा है, तो समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। नाउ यू गॉट इट? आपको समझ में ये आना चाहिए कि क्वांटम नंबर देख करके आपको ये पता चल जाना चाहिए, एटॉमिक नंबर देख करके, कि ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और जैसे समझ में आएगा देना चाहता है लेना चाहता है, वैसे रिएक्शन समझ में आ जाएगी आपको। ऑल आई वांट टू से दैट क्वांटम नंबर्स हैव मल्टीपल इम्प्लीकेशन अक्रॉस केमिस्ट्री। 12वीं वाले बच्चों को भी ये अगर नहीं आता है तो उनको मैं क्लास में बुलाता हूँ, क्योंकि जब तक समझ में ये नहीं आएगा कि उसकी स्पिन क्या है, वो उसकी सब शेल क्या है, उसकी शेल क्या है, तब तक रिएक्शन होगी नहीं।
जब तक नींव कच्ची रहेगी तब तक बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये था, क्वेश्चन में आया कि क्वांटम नंबर्स आर क्वाइट यूजफुल, सो वी विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू रिजोल्व दीज इश्यूज, ठीक है। आप पिछली रिकॉर्डिंग्स, जो बच्चे नए आए हैं वो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे होंगी, ठीक। तो हम बात कर रहे थे सबशेल की, तो सबशेल होती है एस पी डी एफ। एस होती है ऐसी स्फेरिकल सिमेट्रिकल, पी होती है ऐसी यहां घूमेगा, डी होती है ऐसी, और एफ की शायद अभी तक हमने डिराइव नहीं की है। क्या कहता है कि ये न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये ऐसे घूमते घूमते घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, ये घूमते घूमते घूम रहा है। क्या कहना चाहता है, ये ऐसे घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ये, तो ये घूम ऐसे 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 घूम रहा है, ये है पी पी सबसे। अभी डी को देख लेते हैं, डी ऐसे घूम रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपको, ऐसा हो सकता है ना कि सबशेल के अंदर वो कैसे घूम रहा है, मतलब घूमते घूमते घूम रहा है, घूम रहा है अपने शेल के चारों तरफ भी, और ऐसे भी घूम रहा है। डिटेल में पढ़ाएंगे इसको भी, अभी तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि तीन सबशेल हैं, तीन चार तरह की सबशेल है, एस सबशेल है, पी है, डी है और एफ है। तो चार तरह के सबशेल है, एस पी डी एफ। एफ आपके सिलेबस में नहीं है, आप एस पी डी पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये एस है भाई, समझ लो एस ऐसे हो गई, ये न्यूक्लियस, ये पी, रेडी, ठीक है, डी ऐसे घूम रहा है, घूम वो भी न्यूक्लियस चारों तरफ रहा है कि घूमते घूमते भी उसका डिफरेंशियल आ रहा है। तो ऐसे ही आपको एस पी डी एफ, ठीक है ना, आपको एस पी डी एफ भी समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आज के क्लास में हमने क्या पढ़ाया आपको कि आपके पास एस पी डी एफ चार तो सबसेल हैं, बाकी शेल हैं, शेल सबशेल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर हैं, चारों आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहीं ना कहीं बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ टिका हुआ है, क्या एनर्जी लेवल है, क्या स्पिन है, और फिर उसका फर्दर इम्प्लीकेशंस, उनका आपसी रिलेशन कैसा रहेगा ये फर्क पड़ेगा, फिर वो एनर्जी में क्या फर्क डालेंगे, एक दूसरे को कितना बचाएगा, एक दूसरे को कितना मरवाएगा,
उनमें आपसी रंजिश कितनी होगी, रंजिश होगी तो झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो साइज बढ़ जाएगा भाई। जब घर झगड़ा होता है लोग बाहर निकलते ना घर से, आपसी रंजिश कितनी होगी, आपसी प्रेम कितना होगा, कौन दानी है डिपेंड करता है। अब देखो वो तो एक ही आदमी है, जब उसके पास 101 रुपये होते हैं तो उसकी इच्छा होती है 1 रुपया दे दूं, और जब उसके पास 99 रुपये होते उसकी इच्छा होती है 1 रुपया ले लूं। हालात की बात है ना भाई ये तो आपको उसके हाथ समझ में आनी चाहिए। और जब हालात आदमी के पे पेट भरा होता है तो किसकी सुनता है, चौड़ा होकर चलता है ना, चौड़ा होकर चलता है। तो जिसका साइज फुल है, मतलब इसकी शेल बिल्कुल फुल है, ना ना उद्धव को देना ना माधव को देना, तो इससे फर्क पड़ता है। आई वांट टू से कि क्वांटम नंबर्स हैव ए वेरी वेरी ब्रेव और हाई इम्प्लीकेशंस ऑन टोटल केमिस्ट्री। क्वांटम नंबर्स को डिटेल में समझने की जरूरत है और पड़ेगी। एग्रीड। अभी के लिए आप वही करना कि पुराने लेक्चर्स को देख लेना, और अगर आप किसी के पास टाइम है तो मेरी 11th वाली क्लास में जुड़ जाओ, 12th वाली क्लास में जुड़ जाओ, वहां रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। देखो मैं बार-बार बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको ऐसा लगता होगा कि 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, इन किताबों से कोई बात बनेगी, इनसे कोई बात नहीं बनेगी मेरे हिसाब से। आप लोग सब ब्रिलियंट बच्चे हो, और लेकिन आप ये भी सोचते होंगे कि हम 8th भी टॉप कर लें, 9th भी टॉप कर लें, 10th भी टॉप कर लें, 11th भी टॉप कर लें, 12th भी टॉप कर लें। होगा नहीं। अगर आपकी टारगेट ये है कि 6th भी टॉप करेंगे, 7th भी टॉप करेंगे, 8th भी टॉप करेंगे, 9th भी टॉप करेंगे, 10th भी टॉप करेंगे, 11th भी टॉप करेंगे, 12th भी टॉप करेंगे, टारगेट तो ये बहुत अच्छा है, पर ये देश में हर बच्चे टारगेट है भाई, ये टारगेट तो हर बच्चे का है ना कि 6th भी टॉप करूं मैं, 7th भी टॉप करूं, 8th भी टॉप करूं। और अगर आप दोनों टॉप कर लो, सब क्लास आप टॉप कर लो, तो मुझे क्या एतराज है, मुझे तो खुश होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि आप जब 17 भागोगे ना तो IIT नहीं पहुंचोगे, मेडिकल नहीं पहुंचोगे। आपको लगातार मेरी क्लासेस जो पिछली रिकॉर्डिंग है वो भी देखो, आपको टाइम मिलता है गैरीवाली की रिकॉर्डिंग देखो, ये रिकॉर्डिंग्स भी देखो। ऑल आई वॉन्ट टू से अगर आप साथी में हो तो आप जल्दी नहीं, 10,000 सीटें आती हैं IIT JEE में, और ऑलरेडी 7वीं के कम से कम 50,000 बच्चे हैं जो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। इफ यू आर इन 7th यू आर नॉट अर्ली, यू आर नॉट अर्ली, ठीक है। इस ग्रुप में भी एक दो बच्चे हैं जो पिछले 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, और वो भी 7वीं में ही हैं। आप 6ठी में अगर तैयारी करना शुरू करो तो आप अर्ली हो, 7वीं में हो तो टाइम पर हो, और 8वीं में तो हल्का डिले हो, क्योंकि 10 लाख बच्चों को IIT नहीं पहुंचना है, पहुंचना सिर्फ 10,000 बच्चों को है, और इसलिए 50,000 बच्चे शुरू कर चुके हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप जल्दी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत लग रहा है। इफ यू आर फीलिंग एनी ऑफ यू दैट यू आर अर्ली स्टार्टिंग फॉर मेडिकल और IIT, यू आर नॉट, यू आर नॉट स्टार्टिंग अर्ली, बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहे हो आप। मैं कभी किसी बच्चे को बुलाऊंगा जो 9th में होगा और जिसने पूरी 11वीं 12वीं निपटा ली होगी, 9th का बच्चा होगा पूरी 11वीं 12वीं निपटा चुका होगा, भाई तभी नंबर आएगा यार, यहाँ तो IIT में नंबर तो आने सरा। 1 करोड़ बच्चा है हर साल निकलता है, 10 लाख 12 लाख तो IIT में बैठता है, और 10,000 सीटें गूगल कर लेना, आप गूगल करके देख लो। तो कौन बच्चा पहुंचेगा IIT, कौन पहुंचेगा मेडिकल, वही पहुंचेगा जो भैया सिलेबस को तो 9th 10th में निपटा लेगा, तभी तो आगे की बात सोचेगा ना भाई। पहले तो आप सिलेबस निपटाओगे, फिर उसके बाद मैं उसमें टफ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगर आपको ये लग रहा है साथियों में तैयारी करके कि आप जल्दी हो, तो आप छोड़ दो, जल्दी नहीं हो भैया। आपके गली मोहल्लों से किसी का होता है IIT में, किसी का रैंक आता है इंडिया 50, 10, 100, 200 आया है पिछले 5 साल में? नहीं आया ना किसी का भी, क्यों नहीं आया? क्योंकि आता ही नहीं। आप लोग शुरू 12वीं में करो, 11वीं में शुरू करोगे, 10वीं के बाद शुरू करोगे, तब तक तो मामला जा चुका होगा, तब तो आप बचने की लड़ाई लड़ोगे, बनने की लड़ाई नहीं लड़ोगे। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है आप लोगों के साथ, आपको लग रहा है कि आप जल्दी तैयारी कर रहे हो,
आप लोग सोचो कि हल्के हाथ से लेते हैं, टाइम बहुत है भाई। जो सही बच्चे हैं वो तो अभी तैयारी कर रहे हैं 8-10 घंटे। अगर आईटी पहुंचना है, मेडिकल पहुंचना है, तो होगा अभी से तुमको जम करके 2-4-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा मेरे पढ़ा देने से या प्रयत्न करने से काम नहीं चलेगा। देखो मेरा काम जगाने का, मैं जगाता रहूंगा, ठीक है ना जेसिका, काजल, रूपा? देखो है ना, आपको लग रहा होगा, आप सबको लग रहा होगा कि आप जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हो, पर मेरे साथ तैयारी जल्दी तो नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट स्टार्टिंग अर्ली। अंजलि ठीक है, आवाज आ रही है ना? ठीक है धूमिल, हाँ तो यही समझना है आपको। पूजा छाबड़ा है ना, तो आपको जल्दी नहीं है, आप जल्दी में नहीं हो, आपको लग रहा होगा कि आप जल्दी में हो, जल्दी नहीं कर रहे हो आप, ठीक है? तो बी रेडी, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मतलब एक दो बच्चे इस क्लास में भी है जो ऑलरेडी गाड़ी निपटा चुका है और अभी 8वीं में ही है, वो भी चौथी बार लेक्चर ले रहा है मेरा ये वाला, ठीक है? तो इस क्लास में भी है, तो आप डोंट वरी, आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आपको जल्दी पढ़ाया जा रहा है, दैट इज ए सिन, ठीक है? ठीक है आज के लिए इतना पढ़ाते हैं, कल मिलेंगे 2 बजे, 2 बजे मिलेंगे कल। तो आपको 7 बच्चों को बता देना है, जितने बच्चे भी हैं आपके स्कूल के, क्लास के, प्रतन के, जिसको चाहे बैठा सकते हो, कोई जल्दी नहीं है हमारे, हमारे यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे 50 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, कोई जल्दी नहीं है। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना अच्छा एग्जाम होगा, उतना अच्छा टेस्ट होगा, उसमें आप देखोगे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, और आपकी एज के होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितना पीछे हो आप। टक्कर क्या, हम काम क्यों नहीं करते? हम काम इसलिए नहीं करते, लगता है हम आगे हैं, एक एग्जाम लूंगा आप पीछे जाके लगोगे, आपका रैंक आएगा 40 पे 30वा 20वा। आप सोचो अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो क्लास में इतना बोलता था। अरे बोल ही रहे थे ना, सुन थोड़े रहे थे, तो ऐसा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा, लगता रहेगा। इसलिए ट्राई टू फोकस, एटॉमिक फ्यूचर हम शुरू कराएंगे, 1.5-2 महीने बाद एग्जाम लेंगे, आप देखना कि आप सोचोगे यार ये क्या हुआ मेरे साथ, पीपल आर रियली रियली हार्ड वर्किंग दिस कंट्री में, बहुत भीड़ है भाई, यहाँ पे जीम, यहाँ पे निकालना कुछ भी बहुत मुश्किल है। जिस 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 देश में 15,000-20,000 में नौकर मिलते हो और 25 लाख 30 लाख का पैकेज मिलता हो बीटेक के बाद, सोचो कितनी मेहनत करते होंगे लोग। भाई टारगेट आपको 15 लाख का पैकेज नहीं है, 25 लाख का टारगेट दिलाना है आपको, 25 लाख का पैकेज दिलाना है, पर वो आसान नहीं है, और आसान काम मैं कराता नहीं हूं, ठीक है? बी रेडी, कुछ नहीं करना है, पिछली सारी रिकॉर्डिंग सुनने का टाइम लगाओ, जितना टाइम मिलता है सुनते जाओ, सारी क्लास सिंसियरली करो, वी विल बी अहेड, ओके? कल मिलते हैं 2 बजे। यार तुमने एक बार बताया मुझे हिमांशु, ऐसे नहीं होता भाई दोस्त, या तो सुबह से लेकर रात तक जो मेरे को 3 बार काम बताता है, तो 3 बार तब होता है काम, एक बार तुमने एक बार बताया, भूल गया? ठीक है अभी बात करता हूँ, बात करता हूँ, हाँ आप 11th और 12th के मैंने लिंक दिए हुए हैं, जो 11th को पढ़ाता हूँ, तो उनके लिंक क्लिक करोगे तो आप उस क्लास में ऐड हो जाओगे, उन क्लासों के में रिकॉर्डिंग है, इसमें रिकॉर्डिंग का आइकन होगा एक, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, हाँ मैं दोबारा डाल दूंगा, जो मुझे पिंग करेगा उसको डालता रहूंगा मैं, ओके? तो आप लोग जोड़ लो जिसको भी जोड़ना है, और हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे होपफुली, और आपको मुझे लगता है अच्छा चल रहा होगा, फिजिक्स और मैथ अच्छा चल रहा होगा, ठीक है?
मैथ्स के मेरे प्रोफेसर से बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए फिर बाय कर देते हैं, कल मिलते हैं 2 बजे, ओके? बाय बाय बाय, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। लक्ष्य, पूजा, आदर्श, बाय बाय बच्चों, थैंक यू, ओके, थैंक यू लक्ष्य।